मिश्रा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में जो आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक एक्सरसाइज की गई, जाहिर तौर पर इसे चुनावी एक्सरसाइज कहा जाएगा, हालांकि उन्होंने विजय संकल्प रैली इसका नाम दिया, नाम भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की थी इसी नाम से, विजय संकल्प रैली, उसी नाम से आज कांग्रेस ने रैली की है, विजय संकल्प रैली, और उसमें शहीदों को सम्मानित किया गया, मंचों पर शहीद जो सेना के रिटायर्ड लोग थे उनको अच्छा, बिठा, रैली मोदी जी के नाम से पेटेंट हो चुका है नहीं क्या? नहीं नहीं रंजीत जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बस उसकी उनकी पिच पर आप 100% उधर जा रहे हैं, मैं बस इधर इशारा कर रहा हूँ। तो मिश्रा जी, मैं समझना चाहूंगा कितना फायदा इसको कांग्रेस का होगा, कांग्रेस को होगा इससे, क्या सीडीएस विपिन रावत के चाहे कटआउट ले लें, क्या इससे कोई फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है वहां उत्तराखंड में? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 जी, नहीं आप ही से पूछ रहा हूं मिश्रा जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैं कांग्रेस के फेवर में बोलूं नहीं तो मेरे मित्र नाराज हो जाएंगे जी। मैं मानने को तैयार हूं, राहुल गांधी के अंदर बड़ा टैलेंट है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया हुआ है, इनके पास बहुत कुछ है जी। मैं देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ये अपने हर रैली में हर स्टेप पे क्रिएट करते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र ने अभी बोला कि हम सभी के अधिकारों की बात करते हैं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इस देश के रिसोर्सेज के पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्या? इनको पता ही नहीं है। देखिए, जब आप जमीन से नहीं जुड़े होते हैं, ये मान लीजिए कि राहुल गांधी जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो उनका बचपना तो गुजरा है इटली में, पहली चीज तो उनको यहाँ से कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं इंतजार करूंगा 4-6 साल और, ये जितना भी अब इन्होंने हिंदूवादी और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, मैं तो हैरान था कि ऐसा विश्लेषण, ऐसी विवेचना हिंदुइज्म हिंदुत्व की तो आज तक कहीं नहीं हुई है। उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि जलेबी की तरह कि उसका और छोर किधर है, शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ से हो रहा है। तो जब आदमी को बेसिक नॉलेज नहीं होता है ना, तो पेपर पे लिख करके पढ़ लेने से कोई हिंदू नहीं बनता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ की राजनीति करनी है, हिंदुत्व की राजनीति करनी है, तो आपको हिंदू बन के पहले जीना पड़ेगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे। कितने सारे वेद पुराण हजारों ग्रंथ पड़े हैं, वो आर्टिफिशियल तरीके से नहीं आ सकता है। मैं अभी भी बोलता हूँ, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये दिखाता है कि टॉप लेवल पे जो लीडरशिप है वो कितनी कंफ्यूज्ड है। इस देश की परंपरा को, इस देश की राजनीति को, इस देश की धरोहर को, रिचुअल्स को वो कितना समझती है। वो पीढ़ी ही गायब हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको गांव देश के बारे में पता नहीं, यहाँ के कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है। रामायण की बात, गीता की बात, रामायण में क्या क्या कर देंगे वो कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ, मुझे कांग्रेस बीजेपी इससे कोई मतलब नहीं है, और मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने भी मौके दे दीजिए, ये ब्लंडर्स होते ही रहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, कंफ्यूजन, ये सारे स्टेट ऑफ माइंड ऐसे हैं जैसे कि लगता है कि कांग्रेस की पार्टी में जो करंट लीडरशिप है उनको पता ही नहीं है कि राजनीति क्या होती है और भारत की राजनीति क्या होती है। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है भारत की राजनीति की, इतना आसान नहीं है। जो समझेगा वो राज करेगा, चाहे किसी भी हो। तो ये अपने जो स्टेट, मतलब मेंटल स्टेट ऑफ डायलेमा है, पहले देश को समझे, यहाँ के कल्चर को समझे, और भी बहुत सारी चीजें समझने के लिए है। अदरवाइज ऐसे ही ये अपना सेल्फ गोल करते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी मिश्रा जी बोल रहे थे, आरके मिश्रा जी कांग्रेस से, मीडिया जो नहीं दिखाता, तो आप क्या चाहते हैं कि मीडिया आपको सिखावे कांग्रेस पार्टी को? जनता आपको सिखाएगी, हमारे मुद्दों को आप उठाएंगे, आप उठाएंगे तभी तो मीडिया करेगा, तभी तो जनता उसको एक्सेप्ट करेगी।